तो फिर तुम नहीं गई? आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू। क्या कर रहे हैं आप? एक कातला का कत्ल कर रहा हूं मैं। बीवी है ये आपकी? डायन है ये, डायन। तुम नहीं जानते इसे, ये मेरा पीछा करिए, मुझ पे हमला किया इसने। कोई हमला नहीं किया इसने, हैलुसिनेशंस आती हैं आपको, वहम है आपका। कोई नहीं, क्यों आई हो तुम बताओ, क्यों आई हो? ये फाइल रह गई थी, तुम्हारे साइन चाहिए। हाँ, वाह, मेरा डेथ सर्टिफिकेट मुझे साइन करवा रही, अभी करो। कहाँ खंजर, कहाँ खंजर वो मेरा? मारोगे मुझे, मारोगे तुम, ये नहीं तुम मारना चाहती हो अपने शोहर को, मुझे सब पता है, निकलो यहाँ से, जाओ। ये क्या कह रही हो तुम? जो तुम जो नहीं हो, दुश्मन हो तुम इस मासूम इंसान की और मुजरिम भी। डॉक्टर परी, ये क्या? कोई बीच में नहीं आएगा मेरे पेशेंट के, और तुम अब तक क्या खड़ी हो? निकलो, ऐसे नहीं मारोगी ना, जबरदस्ती निकालना पड़ेगा तुम्हें। निकालो इसको, निकालो परी, निकालो इसको यहाँ से। क्या ये ना, ये फसाद की जड़ी फाइल है, ये इसे ना, इसे जला डालो, ये ना, लाओ। नहीं, आग नहीं लगाओ सर, सब आग ही आग में सोच रहा है, क्या होगा? नहीं, आग नहीं जला, आग नहीं जला, तुम चल रहे हो यहाँ से, तुम चल रहे हो लेके जाओ तैमूर साहब को, लेके जाओ। आप चले यहाँ से, चले आप, आपको मैं कह रही हूँ चले। अच्छा अच्छा, जा रहा हूँ, आराम से लेके जाओ, जाओ। तुम अभी तक क्या हो? जब मैं इसको जला दूंगा, मैं इसको जला दूंगा। अरे ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ उस पागल की खातिर। आपकी खातिर? एक्चुअली तैमूर साहब को पैनिक अटैक हो गया था आपको देखकर, उन्हें काम डाउन करने के लिए आपके साथ बदतमीजी करी उनके सामने। ओ, मेरी तो जान ही निकल गई थी। आपके साथ जो भी ज्यादती हुई है मुझे उसका बहुत अफसोस है। बस उम्मीद करती हूँ कि तैमूर मुझे अपनी हिमायती समझकर मेरी बात पर गौर करे। एक्चुअली स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को ज्यादा तवज्जो की जरूरत होती है। वैसे तुम दोनों को इसी फील्ड में होना चाहिए। थैंक गॉड मेरा शौहर महफूज हाथों में है। अच्छा ठीक है बहराम, अब मैं चलती हूँ, सी यू। वैसे तुम दोनों को अदाकारी करनी चाहिए, अच्छे पैसे मिल जाते हैं। पैसे चाहिए? एक्चुअली हमें किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले तैमूर की साइड ऑफ स्टोरी सुननी चाहिए। तुमने उनका साइको एनालिसिस किया था ना? हाँ, तैमूर साहब से बात शुरू करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब एक बार वो अपने बारे में बताना शुरू होते हैं फिर उन्हें सब याद आ जाते हैं। वो और बातें उनसे जितनी बार पूछो एक ही कहानी सुनाते। ओके दैट्स अमेजिंग। अब वैसे कल और आज फिर तुम आग देखकर कुछ नूर वेटिंग। मेरी तरह सोचो और अपने सिवा किसी से मोहब्बत ना करो। मोहब्बत किसी से ही की जाती है, प्यार जानवर से भी हो सकता है। सलमान, सलमान मेरा इश्क है। वो उल्टी खोपड़ी है, ये ना कहो बैरी ने तुम्हें सुन लिया तो जिंदगी भर के लिए उस क्लोज वार्ड में कैद कर देगा। वो क्या जाने, आशिक कैद नहीं रहता और माशूक आजाद नहीं होता। फिर वही बात, सलमान आया, तुम्हारे दिल पे हथौड़ा चलाया और कभी ना आने का वादा करके चला गया। अब तो उसे भूल जाना बनता है ना नूर माय डार्लिंग। अपनी तरफ से तो वो आखिरी मुलाकात करके गया, लेकिन वो फिर आएगा। तुमसे किसने कहा? उसकी आंखों ने, जहां आज भी मैंने खुद को देखा। नूर आजकल ऐसी और इतनी ज्यादा मोहब्बत नहीं करते, ये कैसी दीवानगी है, ये कैसा जुनून है? ये वो जुनून है जिसका खून जंग में नहीं अमन में रंग लाता है।
मेरी जान, तू नहीं समझेगी, तू नहीं समझेगी। ओके बट बाय, खुदा हाफिज, टेक केयर, जीते रहे तो फिर मिलेंगे। मुझे मोहब्बत से नफरत है। आई नो बट आई लव यू। मी टू, टेक केयर, आई सी यू सून, बाय। चलिए सदा हूँ अपने प्यार की, जहाँ से बेनियाज हूँ, किसी पे जो न खुल सके वो जिंदगी का राज हूँ। सदा हूँ अपने प्यार की, आ आ आ गए, आ गए ना यार, अकेला नहीं आए, मास्टर भी हमारे साथ आए। बैठो मास्टर जी। लो मड़ा, ना था मास्टर फुल मूड में बसंत मनाने के, ना मड़ा अपना जाती शटोरी का वाइंड अप सुनाने में, हमने मनाए। ये तो बड़ा काम कर दिया खान। अल्लाह के जी, किसी काम का नहीं। इफ्तिखार ठाकर की मासी का लड़का है तुम। वो ठीक है, हर वक्त जुगत लगाता है। खाया भी लगता नहीं तुझे, जुगत क्या लगेगी यार। तुम सब थिएटरी है, इधर से इलाज के बाद यही काम शुरू करो। अच्छा, चोंच बंद कर खाना। हाँ जी नथा जी। बस फिर नंबरदार ने जो मुझ पे तशद्दुद किया था, उसके कुछ दिनों के बाद पंचायत लगना थी, लेकिन उससे पहले उसने मुझे हवेली बुलाया था। वर्याम नथा, दुश्मनियां खत्म हो जाएं तो नस्लों का बहता हुआ खून बंद होता है, रिश्ते नहीं बनते, रिश्ते बनाने पड़ते हैं। हम बचपन के साथी हैं, लेकिन तुमने तो खाए पिए का भी ख्याल नहीं किया। मेरा और रुकैया का रिश्ता तुम्हारे वालिद ने किया था। वट्टा सट्टा था, जलजले में नाजिया मरी थी, साइमा तो जिंदा है, उसे डोली चढ़ा देते तो आज रुकैया तुम्हारे घर में होती और हम हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होते। अब भी हो सकता है, अगर तुम साइमा का हाथ मेरे हाथ में दे दो। वो एक पढ़ी लिखी और छोटी बच्ची है, और तुम दो शादियां कर चुके हो। तो क्या गलत है इसमें? तुम्हारी दोनों बीवियों की मशकूक मौत। इल्जाम है मुझ पर, साबित करो इसे। मार दिया तुमने साबित करने वालों को, और जो बच गए गरीब हैं बेचारे, डरते हैं वो तुमसे। मेरी बहन बरामद हुई है तुम्हारे घर से, फैसला पंचायत में होगा। भाइयों, 3 साल लड़ी जाने वाली लड़ाई ये मैंने ख़त्म की थी, और नथे के साथ मैंने जीना मरना ख़त्म कर दिया था। 3 लाशें गिराने के बाद सुलह तो बनती थी। वो बातें ख़त्म हो गई हैं। सरपंच साहब, मुझे तो लगता है कि अब शुरू हुई है। ये वही शख्स है ना, गरूर और तकब्बुर का मारा हुआ वही शख्स है ना ये, मेरे मसेर का खोता इसकी फसल में गया और इसने उस बेजुबान को मार दिया। हालांकि मारना तो तुझे चाहिए था। ये इस गांव का नंबरदार है या बदमाश है? वो हम देख लेंगे। जब मंगनी खत्म, जीना मरना खत्म हो गया था, तो इसकी बहन तुम्हारे घर करने क्या आती है? वो उसे अपना घर समझती है, लेकिन नाम इसे कुछ और समझते हैं। बुजुर्गो, फैसला करो, इसने मेरा मुंह काला किया है। पंचायत का ये फैसला है कि इसका भी मुंह काला कर दो और थाने ले जाओ। सरपंच साहब, आप कैसा फैसला कर रहे हैं? ये गलत है। मैं सरपंच हूँ, मैं बेहतर समझता हूँ। गलत फैसला सरपंच साहब ना करें।
आप। हेलो भाई मास्टर, मैं भैया। हेलो दार बड़ा तगड़ा था, पंचायत से लेके सारा गांव उसकी बदमाशी से डरता था। खुद है दीदा से खलक गर की, काश तुम थोड़ा पहले नफ्सियाती हो जाता तो हम तुम्हारे साथ होता, सारा गांव को जूते से मारता, उस्ताद को हाथ लगाया, बेइज्जत किया। उस्ताद तो बाप की जगह होता है यार। अगर हम उस्तादों की इज्जत करने वाले होते तो आज यहां ना होते। तो फिर तेरी बहन और पंगेतर का क्या हुआ? अल्लाह से डरो, कोई मुझसे मेरी बहन साइमा और रुकैया का ना पूछे, कोई ना पूछे मुझसे मेरी साहिबा के बारे में, कुछ ना पूछो, कुछ ना पूछो, कुछ ना पूछो। हर नफ्सियाती के आगे पीछे ऊपर नीचे कोई कहानी तो होती है। बड़ा जालिम था नंबरदार, तू अपनी कहानी कब सुनाएगा? कभी नहीं। कभी नहीं। चिल्लाओ मुझ पे, मुझे डांटो, मुझे मारो, जो दिल में आता है करो, मुझे छोड़ के जाने की बात नहीं करो। च्युइंगम की तरह साथ चिपक के रहूंगी वरना नहीं रहूंगी। मैं इंसान हूं, मुझे तकलीफ होती है। अच्छा नहीं लगा मुझे यहाँ देख के। मैंने सलमान को मार दिया, मैं सलमान के पास जाने। तुम मेरे सामने पिछले कदमों पे क्यों चलते? मोहब्बत को पीठ नहीं दिखाते तुम तो इश्क मेरा। सलमान, मैं फैक्ट्री जा रही थी और पीछे से ना तैफूर साहब के ऑफिस से कॉल आ गई। 3 महीने का टाइम मिल गया है हमें। तैफूर मेरे हाथ में आ गया था लेकिन फिर निकल गया। ये सब प्लानिंग तुमने की है ना? जो कुछ हो रहा है मुझे बुरा लग रहा है। क्यों? ये तो सब हमारे फेवर में हो रहा है। अच्छा चलो छोड़ो, चल के खाना खाते हैं। भूख नहीं है। इसका मतलब आज मुझे फिर भूखा रहना पड़ेगा। अब खा लो। ऐसा कभी हुआ है कि मैंने अकेले खाना खाया? साइको लड़की ने जो हमारे साथ किया उसके बाद तुम बदल गए थे, लेकिन उसकी माँ से मिलने के बाद और ये जानकर के वो पागल खाने में है बहुत बदल गए हो। और मैं एक बार फिर चुपचाप खड़ी हूं, लेकिन अब अगर कोई तमाशा हुआ ना तो मैं बोलूंगी,
जोर से, और जो करूंगी ना वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। नूर, बात मान लिया करते हैं, पूरे दिन से आपने कुछ नहीं खाया, प्लीज आ जाए, आ जाए प्लीज नूर, सुन ले बात। खाना क्यों नहीं खाया? कुछ चीजें मंगवाई है मैंने, कल तक आ जाएंगी तो खा लूंगी, इंतजार में भूख नहीं लगती मुझे। बाहर से खाना मंगवाने की इजाजत नहीं है। काश मैं वो कपड़े भी खा सकती। कपड़े? उसने दवा ली? नहीं। तुम्हारा क्या बनेगा नूर? मकबरा, नूर महल। मैं डॉक्टर बहराम से तुम्हारी शिकायत करूं? कोई फायदा नहीं, मैंने जो सोच लिया वो कर रहे हैं। दवा दो इसे। दवाई ले ले नूर प्लीज। मैं जरूर आपको बता दूंगा। राइट, टेक केयर। टेक केयर सर। और एप्पल जूस लेकर आओ। आप जल्दी से तैयार हो जाए, लेट हो गए ना तो फिर आप मेरी दौड़ लगवाएंगे। ये तो सरासर इल्जाम बेवफाई है, कहने को सरकार की लेकिन उम्र भर आपकी नौकरी की है। देखिए, आप अगले साल रिटायर हो जाएंगे तो अपनी जॉब में रहते हुए परी की अच्छी जगह पर शादी करवा दें। किसी को मेरे स्टेटस के साथ भी आना चाहती हैं? अरे परी तो किस्मत वालों को मिलती है। और ये देखो नाम लिया आ गई। Think of the angel and the angel is here। कल का दिन कैसा रहा परी? आप दिन की बात कर रहे? दिन रात का पूछे इससे। कल भी ये रात को 10 बजे घर लौटी है और पूरा दिन मेरा फोन नहीं उठाया। एक बार तो उठाया था, वैसे थोड़े गुस्से में क्यूट लगती है, ज्यादा ना क्या करे, अभी तो काम शुरू किया है। हाँ तो जल्दी से खत्म कर लो, तुम्हारी शादी की उम्र निकलती जा रही है। तुम्हारा डायलॉग बोल दिया, बुरा तो नहीं लगा तुम्हें? आप मुझे इरिटेट करके भगाने की कोशिश ना करें, मेरे सामने पटिए पढ़ाएं इसे। ओके ओके, बस अब लड़ना नहीं है। ओके, जो मैं सोच रही थी ना उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सोसाइटी में एहसास तेजी से खत्म हो रहा है बाबा, विच इज वेरी अलार्मिंग। द 11th क्लब में बहुत से लोग इंसानी रिश्तों के मारे हुए। जदीद दौर की यही तुम्हार है बेटा, वो सारी दुनिया इसकी लपेट में है। पर हम ऐसे तो नहीं थे, क्या थे हम और क्या होते जा रहे। शाम में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बड़े नॉन रोमांटिक हो गए हो तुम, आग से डरते हो क्या? स्टाफ तुम्हारी शिकायत कर रहा था कि तुम्हें तंग करती हूँ। हाँ करती हूँ, तुम मुझे टेंशन नहीं देते और तुम्हारी वो परकटी परी है ना, वो मेरे हुस्न से जलती है। बुग़्ज़, अना, हसद, इन सब चीजों से दूर तुम लोगों की अच्छी जिंदगी और इलाज के लिए दुनिया बनाई है जिसे तुम लोग 11th क्लब कहते हो। सो मूव ऑन फ्रॉम दीज थिंग्स एंड कोऑपरेट। तुमने मुझसे कुछ प्रॉमिसेस किए थे, वादे किए थे, वादे पूरे होंगे या? फिलहाल तो तुम्हारे मार्क्स कट चुके हैं, अब अगर तुम्हें फोन और नए कपड़े चाहिए तो यू विल हैव टू बिहेव। फिलहाल तो मुझे तुम्हारे साथ वॉक पे चलना है, लेट्स गो। टीना, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ खड़ी हो। चलो चल के नाश्ता कर लो, सब लोग वेट कर रहे हैं। मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ। ऐसा करें, इनकी उस दोस्त को नाश्ता करवाएं ताकि उनका वेट बढ़ जाए, वो ओवरवेट हो जाए और इनको बुरी लगने लगे। मुझे बल्कि और ओवरवेट लड़कियां पसंद। आज से मैं नाश्ते में 2 पराठे खाऊंगी, शेफ को बता दीजिएगा। सर, अब आपकी तबीयत ठीक है ना? या I'm okay. नूर को नाश्ते के बाद मेरे ऑफिस ले आओ। I need to see him.
गुरुजी मैं बिल्कुल समझ गया, बस अभी लो। ओ शैतान के चेले चांटे, इस बार बगैर गुरु से पूछे पत्ते बांट। शैतान कहता है जो भी खेलो लगा के खेलो। सूटा लगा लेते हैं, जख्म तो है नहीं और अब हमें कोई कर्जा देने को भी तैयार नहीं। पूछ, सर लगा दे। बगैर भेजे के सर की कोई कीमत नहीं होती, कोई कीमती चीज लगाओ। वो तो फिर नहीं है। मंग पत्ता फेंक, मैंने वार्डन लगाई और मैंने दो बब्बर शेर। क्या हो रहा है यहाँ? आज तक हमने कुछ नहीं किया और आगे भी कुछ नहीं करना, उसी की प्लानिंग कर रहे हैं। इसने जुए में तुम्हें दांव पे लगा दिया रीमा डार्लिंग। डार्लिंग? तुम्हें तो मैं पूछती हूँ। ओए, बगैर इंजन के जहाज, सचमुच तो नहीं नशा करने लग गया? मैं गरीब जूठी मुठी का टुन बर्दाश्त नहीं तुमसे। अमीर होता तो इसी ने कहना था कि साहब अंदर पार्टी कर रहे हैं। डॉक्टर परी, तुम सब लोगों की असेसमेंट करना चाह रही हैं। अपने बारे में अगर कुछ याद है तो इसमें लिख दो। मेरे खुदाया, मैं जिंदगी के ख्वाब लिखूं कि अजाब लिखूं? जो मर्जी लिखो, लेकिन बकवास ना लिखना। ये बकवास क्या होता है? ये जो अभी करके गई है, तुम भी करो। तुम करो, तुम करो, तुम करो, तुम करो, तुम करो। मास्टर, तुम भी तो करो। मैं नहीं करता, मैं सिर्फ सुनता हूँ। करने के लिए बंदे रखे हुए हैं। अपने बारे में लिखो। मैंने तो फिर पूरी किताब ही लिख देनी है, नया फार्मूला बना देना। गिड़दाम गिड़दाम गिड़दाम। अरे भाई, लिसन मी, आई एम बोर्ड। ये खाना चाहिए तो ये पीना पड़ेगा, मैं जेल में तो नहीं हूँ। तुम चाहा हो, तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। फजूल बातें छोड़ के तुम्हें वही करना होगा जो तुम्हें कहा जाए, ठीक है? मैं मजबूर नहीं हूँ। लेकिन हम हैं। 11th क्लब के डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। आफ्टर गो गो रहा सर। सब पागलों को असेसमेंट फॉर्म्स दे दिए, ये दो रह गए। सॉरी सर। एक अपना भर दो और दूसरा मेरा। इधर रखो। नूर, नूर वो शायद वॉशरूम में। ठीक है, ठीक है, ठीक जाओ। देख लो, सब कुछ यही है ना? सब सब है, सब ठीक है। अब आप जाओ। अम्मा जाओ। नहीं, तुम्हें कुछ और चाहिए तो मुझे बताओ। मैं आप जाओ, आप कल आना। हाँ बेटा, मम्मी आप जाओ ना, आप भी आज जाओ, कल आ जाओ। This is from the classics. If you would like. I know, इसीलिए मैंने पसंद किया था। Sir, for this I have a neck piece too. अगर आपको पसंद आता है तो I can get it for you. Get it? नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। क्या? नहीं, sure sir. I'll get it for you. ना देखो। क्या ज़रूरत है इसकी? हर बार कुछ न कुछ ले रहे थे। खाली हाथ अच्छे नहीं लगते हैं। सुहागन के हाथ हर वक्त भरे होने चाहिए। पहले शादी तो कर लो, फिर सुहागन भी कह लेना। ज़बान बड़ी के सर। ज़बान? Yes. शादी हो गई। थैंक यू। You're welcome. So beautiful. शर्ट लूंगी मैं। इस जगह से जितने डायमंड सेट्स चाहिए वो ले लो, लेकिन कपड़ों का मजाक नहीं है। Thank you. You feel nice, Katie.
क्या कर रही हो? डर लगाओगे तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगी, मुझे पता तुम्हें क्या अच्छा लगता है। वेट गो क्विक गेट हियर क्विक। जल्दी कर तो रहा हूं चेंज। क्या हुआ? क्विक सलमान क्या हुआ? जल्दी करो ना। अरे यार कर तो रहा हूं, थोड़ा टाइम लगता है चेंज करने में। लॉन्ग टाइम नो सी जनमन, बाहर आओ जल्दी। इतनी जल्दी कपड़े या तो सुपरमैन चेंज कर सकता है या कोई फास्ट फॉरवर्ड पे, मैं तो नहीं कर सकता। हां तुम्हारे या मैं अंदर आऊं? क्विक कैसी लग रही है? तस्वीर आ रही है, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, या इट्स वेरी नाइस। तुम अंदर क्या कर रही हो? जब तुम आधे घंटे से अंदर थे मैंने पूछा तुम क्या कर रहे हो। हाँ लेकिन मैं तो ट्राई कर रहा था, तुम क्या कर रही हो? जरूरी नहीं कि ट्रायल रूम में ट्राई किया जाए। तो दो के डरबे में और क्या हो सकता है, कोई कपड़े तो लेके जाओ ट्राई करने के लिए। बहुत कुछ हो सकता है जानेमन, इन चंद घड़ियों में छोटे से बॉक्स में किसी की दुनिया बदल सकती है। अच्छा दुनिया कैसे बदल सकती है? ऐसे। ये तो तुम्हारी शर्ट थी जो आज से मेरी हुई, कितनी बार पहनी है तुमने? शायद दो बार। ओह माय गॉड, देखो तो अच्छी लग रही हो, कूल ना? और जिसमें तुम्हारी खुशबू आ रही है सबके जाओ, आज से मैं तुम्हारा उत्तरण पहनूंगी। जब तुम मेरे साथ नहीं होगी मुझे लगेगा तुम मेरे साथ हो। सर रोमांस है तुम्हारा, थोड़ा हटके आना, बड़े हो जाओगे ना समझ जाओगे। हम एक साल से साथ हैं। इतना प्यार तो बहुत ज्यादा अरसा साथ रह के भी नहीं होता। True. आपको इतनी मोहब्बत कब हुई हमसे? I love you, Sansaya. Can we? चल। Get ready. Bill करते हैं, चलो ना। Quick, 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 quick. आप ये हाय आपकी नहीं अदाओं पे तो दिल आ गया मेरा। चले चलिए। अरे सुनिए ना, ये फहाशी प्रोग्राम क्यों ऑन किया है? इसकी इजाजत नहीं हो। लेट्स गो। यस बॉस। शकील साहब आए हैं, उन्हें मार्केटिंग हेड से मिलवा दें। राइट सर। And listen, जी सर। योगी साहब आएंगे, उन्हें मेरे पास भेज दीजिएगा और कॉफी भिजवा दीजिएगा। And make sure, हमें कुछ डिस्टर्ब ना करें। Right, sir. मिसेस शालम, मैंने सुना है आप अपने इदारे के लिए फॉरेन फंडिंग में इंटरेस्टेड हैं। नो नो शान साहब, आप अपनी गलत फहमी दूर कर लें। हमारा मेंटल हॉस्पिटल है ना कोई ऐसा इदारा कि जहाँ चंद मरीज इकट्ठे करके चंदा जमा करना शुरू कर दें। हमें अपने मुल्क से काफ़ी फंड्स मिल जाते हैं, हमें फॉरेन फंडिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर सरकारी खजाने पर क्यों बोझ डालना चाहती हैं? अगर रिजर्व फंड्स हैं तो हम अपना सेटअप बड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए कोई प्लान है आपके पास या अभी तक सिर्फ गुफ्तगू हुई है? हम ऐसे नफसियाती मरीज ढूंढ रहे हैं जो कल तक काबिल और इस माशरे का कीमती हिस्सा थे। हमारे यहाँ सिर्फ अद्वियात और थेरेपी ही नहीं दी जाती बल्कि उन्हें हसीन और पुरसुकून माहौल भी दिया जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अल्फाज मैंने किसी प्रेजेंटेशन या किसी फर्द के मुंह से सुने हैं। ये आइडिया आपका अपना जाती है? आइडिया तो आइडिया होता है चाहे किसी का भी हो, जो इसे एग्जीक्यूट करे वो भी तो कुछ होता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, चोर होता है वो। अयान अयान। यस मैम। डॉक्टर मारिया कहाँ हैं? आई डोंट नो मैम। यू शुड नो, जाओ देखो जाके कहाँ हैं। यस मैम। ओह वाओ, लुक एट यू, सच अ नाइस शर्ट, सच नाइस जीन्स, कहाँ से आए? बहुत दूर से आए। अब क्या करना? इंतजार यार ये। अच्छा पता है नूर, मुझे ये मर्द औरत का ताल्लुक नहीं समझ आता, इंसान प्यार करते करते थक नहीं जाता? अदाकारी हो तो थक जाता है, मोहब्बत थी तो इंसान है, वरना
हमसे पहले बड़े बड़े हैवान हुआ करते थे। ये सब तो ठीक है, लेकिन सलमान है कहाँ? मैं तुम्हें बताया था ना, मैंने खुद को देखा है उसकी आंखों। नहीं नहीं, तुमने उसकी आंखों में खुद को नहीं, किसी और को देखा था उस रोज। देख लेना, वो नहीं आएगा। आएगा, उसकी खुशबू आ रही है, वो जरूर आएगा। नाइस, विच ब्रांड? एसकेडी। मुझे भी चाहिए, लेकिन कब, कहाँ, कैसे? तुम लेके आओगे सबको खींच के कान से। रीमा, ये यहाँ क्यों एक्सरसाइज कर रहे हैं? मैम, लॉन में अभी माली ने पानी दिया, सारा लॉन गीला है। अच्छा, नत्था, जूरा, इजार, ये सब कहाँ हैं? इनके साथ एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहे? वो हलवा पूरी का नाश्ता कर रहे हैं। वाओ, ग्रेट। ये एक्सक्यूज आप शालम को दीजिएगा, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये पहले ही इतने ज़हीन हैं, कहीं मिस्टर एशिया ना बन जाए। मैम, एक्चुअली इन सारे मेंबर्स को एक्सरसाइज करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, स्पेशली स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को। इसीलिए तैमूर अक्सर एक्सरसाइज करते नज़र नहीं आते। वो मैम, उनके ख्याली बेगम इजाज़त नहीं देती। कॉमेडी भी करती हैं आप। सॉरी मैम। मिस्टर शालम, अस्सलाम वालेकुम। टीना, हाउ आर यू? नॉट गुड। क्यों, क्या हुआ? मैंने नत्था और इजहार के कान खींचे, अब तो उन्होंने तंग नहीं किया ना? रीमा मेरी बात नहीं मानती। जब से मैं 11th क्लब आई हूँ, मैं यही एक ही किस्म के कपड़े पहनती हूँ। आई मीन, मिसेस शालम, यू अंडरस्टैंड, आई एम अ स्टार, मेरे फैंस मेरे बारे में क्या कहते होंगे? साइको है। नए कान लगवा के आइए। टीना, दिस इज डिसिप्लिन। 11th क्लब में सभी यूनिफॉर्म्स पहनते हैं। लुक एट अस, डॉक्टर्स भी। नूर को तो नए कपड़े मंगवा के दिए। वार्डन, ये क्या हो रहा है? मैम, एक्चुअली नूर की कपड़ों की परमिशन उसकी मदर ने हमसे ली थी। बहुत ही सेंसिटिव इशू है, मैं आई एक्सप्लेन इट टू यू। मुझे भी नए कपड़े मंगवा के दो। टीना, डोंट टॉक टू मी लाइक आई एम अ चाइल्ड। मुझे नए कपड़े दो, आई डोंट केयर। अब तक एक मेंबर को भी रिकवर करके घर नहीं भेजा तुमने। मैम, ये सब एडवांस स्टेज पर है, हम कोशिश तो कर रहे हैं। कोशिश तो मेंबर्स की बजाय डॉक्टर्स को घर भेजने की कर रहे हैं। मैम, डॉक्टर बहराम का कौन सा घर है, वो तो यहीं पे। डोंट टेक नेम्स एंड आई वांट फंड समरी टुडे। जुबैदा, चाहिए, पीछे जाइए इनके। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट? अगर ये डिसिप्लिन का हाल रहा ना, तो इससे ज्यादा बुरा एटीट्यूड होगा शाह आलम का। नूर को कपड़े मैंने नहीं दिलाए। Control this now. ये एक्सरसाइज बताई थी, तुम लोग डांस कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं। तू भी मखलूक है, मैं भी मखलूक। कब तक चलाएगी मुझे? फिर से बहुत दिन से खेल रही है मेरे साथ। चला, आज फिर तेरी बारी आई है। तुझे यहीं चलना है या वहां जाएगी? बहराम का आग से कोई गहरा ताल्लुक है, लेकिन क्या? अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, We'll be right back.
मैं तो हुई तेरी जोगनिया क्योंकि मैं ग्रीन हूं।